हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा वसीन। आज की रिपोर्ट आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले आप अभी के अभी एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसको आप जरूर दबा दें। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। बीसीसीआई की चयन समिति ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे, टी20 और टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। इन तीनों ही टीमों में से रोहित शर्मा का नाम नदारद है। हालांकि रोहित शर्मा को इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वो घायल हैं और वो आईपीएल के भी दो मैचों में नहीं खेले थे। लेकिन टीम में कई बड़े खिलाड़ी शामिल नहीं हैं और कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं। हम आपको तीनों फॉर्मेट के लिए चुनी गई टीम के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एक बार फिर से आपको बता दें कि अभी के अभी एनएन स्पोर्ट्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बात सबसे पहले रोहित शर्मा की करते हैं। रोहित शर्मा को आईपीएल में चोट लगी थी और इसी कारण वो पिछले दो मैचों में नहीं खेले हैं। टी20 और वनडे में उनकी जगह लोकेश राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में ईशांत शर्मा का नाम भी नहीं है। बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा है कि इन दोनों पर नजर रखी जाएगी। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि अगर बाद में ये दोनों ठीक हो गए तो बाद में इन्हें शामिल किया जा सकता है। बीसीसीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम रोहित शर्मा और ईशांत पर करीबी तौर पर निगाहें रखेगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जो टीम का सिलेक्शन हुआ है उसमें आईपीएल 2020 के प्रदर्शन को भी आधार बनाया गया है, क्योंकि कई नए खिलाड़ियों को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। वहीं कई बड़े खिलाड़ी जो आईपीएल में अच्छा नहीं खेल पाए हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल 2020 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले वरुण चक्रवर्ती को टी20 में शामिल किया गया है। संजू सैमसन को भी इस टीम में जगह मिली है। ऋषभ पंत का नाम इस टीम में नहीं है। वनडे टीम में शुभमन गिल को मौका मिला है। मयंक अग्रवाल भी वनडे टीम में आए हैं। शार्दुल ठाकुर भी वनडे टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। वनडे और टी20 में रोहित शर्मा की जगह मयंक अग्रवाल को जगह मिली है। माना जा रहा है कि मयंक अग्रवाल शिखर धवन के साथ पारी की शुरुआत करते हुए देखे जा सकते हैं। शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज के तीसरे विकल्प होंगे। साथ ही टीम में और क्या बदलाव हुआ है, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। मोहम्मद सिराज टेस्ट टीम में नया चेहरा है। टेस्ट में शुभमन गिल को बनाए रखा गया है। ऋषभ पंत को यहां रिद्धिमान साहा के साथ शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में अब दोनों में से कौन विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाएगा ये देखना होगा। टेस्ट में अंजुके रहाणे ही उप कप्तान है। केएल राहुल के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि वो टेस्ट में आ सकते हैं और चयनकर्ताओं ने भी इस बात का ध्यान रखा और लोकेश राहुल को टेस्ट टीम में वापसी कराई है। टेस्ट में मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ के रूप में दो सलामी बल्लेबाज हैं और केएल राहुल के तौर पर तीसरा विकल्प भी मौजूद है, लेकिन अनुभव को देखते हुए राहुल को तरजीह दी जा सकती है। राहुल टी20 और वनडे में बतौर सलामी बल्लेबाज खेलते हैं या फिर पांचवें नंबर पर, यह भी देखना होगा। किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान राहुल आईपीएल में बतौर सलामी बल्लेबाज उतर रहे हैं। रोहित शर्मा के ना रहते टीम राहुल को यहां एक बार फिर आजमा सकती है। नवदीप सैनी एक और ऐसा नाम है जिन्हें तीन टीमों में जगह मिली है। तो चलिए अब आपको तीनों टीमों की पूरी लिस्ट दिखाते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि किस टीम में किस खिलाड़ी को मौका दिया गया है और किसे नहीं मिला है। लेकिन पूरी लिस्ट देखने के बाद आप एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आईपीएल और क्रिकेट की हर खबर आपको वक्त पर मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।